आज हमारे साथ है यात्री पटेल, जिनका फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिलेक्शन हुआ है और वह भारत को रिप्रेजेंट करेगी। तो आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका यात्री जी। धन्यवाद। तो यात्री, हमने सुना है कि नवोदय विद्यालय में आप पहली लड़की है जिनका इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है, तो आप कैसा महसूस कर रही है? सबसे पहले तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं दूसरी मतलब अदर कंट्री में जा रही हूँ, मुझे वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा और वहाँ पे मैं दुनिया के सबसे बेस्ट बॉक्सर से मिलूंगी जिसके साथ मेरी फाइट होगी। मैं अपना 100% दूंगी और वहाँ की सभी की जो अलग अलग स्किल्स होती है वो भी मैं सीखूंगी। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत सी मुश्किलें आती है, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? पहली बात तो ये कि जो टूर्नामेंट होने वाली है वो सेल्फ पेएबल है, तो हम पे कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद NOC की वजह से भी मुझे थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। और जैसा कि मैं 10th बोर्ड की एग्जामिनेशन दे रही हूँ तो उसमें भी मेरे 16 पेपर हो रहे हैं और बाकी छूट रहे हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी, आप सबके लिए इंस्पिरेशन है, तो आपसे कई गर्ल्स भी इंस्पायर हो, तो आप उन गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि अभी गर्ल्स को हर फील्ड में मौका मिल रहा है आगे जाने का, पहले जैसा नहीं है कि उनकी लिमिट होती थी सिर्फ घर का काम करना, उनको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अभी सब चीज़ें गर्ल को प्रोवाइड हो रही है, तो मेरी इच्छा है कि वो सभी फील्ड में अपना 100% दे और बहुत ही आगे जाए। तो आप एक नए देश में जा रही है, तो आपका वहाँ का शेड्यूल कैसा होगा? इंडिया की टीम में हम टोटल 320 बच्चे हैं और बाकी कोचेस वगैरह हैं, तो मतलब ये फ्लाइट के लिए भी अरेंज करना, दो शिफ्ट में हो रही है हमारी फ़्लाइट, 13th को और 14th को, और वहाँ पे हमारा जो कंपटीशन है वो 14th से 22nd मई के बीच में होने वाला है, तो वहाँ पे 3 या 4 दिन कंपटीशन रहेगा और बाकी बीच में 1-2 दिन है वहाँ पे उन्होंने अलग अलग फन और स्किल्स के प्रोग्राम भी रखे हैं, जिसमें नेशन नाइट होगी, कल्चरल प्रोग्राम होगा, जिससे हम एक दूसरी कंट्री के कांटेक्ट में आएंगे, हमें पता चलेगा कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह, और वहाँ पे की जो फ्रांस की टूरिस्ट प्लेस है जो सबसे अच्छी है, वहाँ पे भी सभी प्लेयर्स को ले जाया जाएगा जिससे हम नई चीज़ें जान सकें। यात्री से मिलकर पता चला कि अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत और जुनून की ज़रूरत होती है, हमें विश्वास है वो आगे बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पर अपना और भारत देश का नाम रोशन करेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरनेशनल। थैंक यू।